अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैं अभी चाय लेने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मैं चाय कहाँ से लेता हूँ। मेरे अपने पड़ोस की होटल है, उधर से मैं चाय लेता हूँ। कभी कभी उनके पास दूध नहीं होता है तो फिर मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ या दूसरी होटल पे जाता हूँ, और जो चाय बनाता है उसका नाम है मेवल, खास के लिए मामो मेवो, उसको हम मामो मेवो कहते हैं, जिसे मैं चाय लूँगा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ होटल में। मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय है मामा? हाँ चाय भी है। चाय दो हमें, 60 रुपए की चाय बना के। सालन भी है। अच्छा, हमें चाय बना के दो 60 रुपए की। हाँ तो है, घंटा सफर करना पड़ेगा। आधा घंटा? अच्छा आधा घंटा, यार कुछ जल्दी करो, मेहमान आए हुए हैं। सालन पका रहा है, सफर करो थोड़ी देर के बाद। अच्छा, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, चाय चाहिए। 10 मिनट सफर। तो दोस्तों अभी 10 मिनट लगेंगे चाय में, और अभी हम हमारा सब्जी बना रहा है। ये बैठक है जहाँ पर लोग देखते हैं और चाय पीते हैं, और ये अंदर जो है ये रूम है जिसमें इनों का सामान पड़ा रहता है। ये एक पंखा है, पंखा चलता है, इधर चारपाई पड़ी है, लोग बैठते हैं, अभी मैं भी बैठा हूँ। और उसके अलावा जो इधर खाना खाता है, यहाँ पर लेडीज आ जाती है वो भी इधर बैठती है। इधर होटल में भाजी जो है, सब्जी कौन कौन सी पकाते हैं आप? सब्जी भिंडी है, सब्ज तूरी है, दाल है, दाल फ्राई है, अंडा ग्रेवी है, अंडा आमलेट है, अंडा कीमा और कोरमा है, मुर्गी है, मच्छी है। अच्छा, इधर एक रोटी कितने में पकाते हैं? रोटी 20 रुपए का है। अच्छा सही।